आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पत्ता गोभी और मसूर दाल की बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश करके भी रख दिया है। और यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है मसूर दाल। अभी दाल को भी दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और रख देंगे इसको साइड पे। और यहाँ पे जो पत्ता गोभी है ना, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक और हल्दी पाउडर डालने से जो पत्ता गोभी का स्मेल है ना, वो चला जाता है। तो इन दोनों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अभी इसको ढक्कन से ढककर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो पत्ता गोभी है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अभी 15 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो इस तरह से निचोड़ने से क्या होता है, पत्ता गोभी का जो पानी है ना, वो सारा निकल जाता है। और उसके बाद दोनों हाथ से इस तरह से अच्छे से दबाते हुए निचोड़ लेंगे, ताकि पत्ता गोभी का जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह करके पत्ता गोभी को निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना पानी निकल आया है पत्ता गोभी का। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी पत्ता गोभी को अलग बर्तन पे रख दिया है। तो अभी इसको रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कढ़ाई। तो अभी कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने देंगे और जैसे ही हल्का सा कढ़ाई गर्म हो जाए, इसमें डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अभी ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे 2 सूखा मिर्च और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच 5 फोड़न और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाए, इसमें डाल देंगे लहसुन। तो मैंने यहाँ पे 5-6 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, वो डाल दी है और इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर ली है, वो डाल दी है और प्याज सॉफ्ट होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो अभी इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी को। और पत्ता गोभी को डालने के बाद पत्ता गोभी को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पत्ता गोभी को मैंने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी ढक्कन से ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पत्ता गोभी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अच्छे से पत्ता गोभी को इस तरह से चलाएंगे, ताकि नीचे से लगे ना। और अभी इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, वो डाल देंगे। डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। और सभी मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर को काट के डाल दिया है। और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालना, क्योंकि पत्ता गोभी में ऑलरेडी पहले से ही नमक डाल के रखा है। और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे मसूर दाल को, जो अच्छी तरह से वॉश करके रखा था। मसूर दाल को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पत्ता गोभी के साथ। मिक्स करने के बाद अभी ढक्कन से ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो अभी देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है, हमारा पत्ता गोभी, टमाटर और मसूर दाल थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 3 ग्लास जितना डाल दिया है, देख सकते हैं। और पानी डालने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी। तो इस तरह से हाथ पे लेके थोड़ा क्रश करके डाल देंगे कस्तूरी मेथी को। और कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन से ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए, गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के। तो अभी देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे, हमारा जो सब्जी है वो लगभग बन चुका है। पत्ता गोभी, मसूर दाल सभी अच्छी तरह से गल चुका है।
तो एक बार इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार पत्ता गोभी और मुसर दाल की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप इस सब्जी को चावल के साथ, रोटी के साथ या पूरी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।